पंजाब सुबार्डिनेट सर्विसेज़ फेडरेशन वालों अज पंजाब सरकार द्वारा नवी भर्ती संबंधी जारी किए गए नोटिफिकेशन विरुद्ध हुशियारपुर विखे घड़ा भन्न के सरकार विरुद्ध रोस जाहिर किया गया। इस मौके फेडरेशन के मैंबरों वालों पंजाब सरकार विरुद्ध जम के नारेबाजी भी की गई। गलबात करद फेडरेशन के प्रधान सतीश राणा ने कहा कि पंजाब सरकार दियां माड़िया पॉलिसिया विरुद्ध लगातार संघर्ष जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुलाजमान नूं होर पत्ते तां की देने सन, उल्टा मुलाजमान ते 200 रुपए का जजिया टैक्स लगा दिता गया है। उन्होंने कहा कि जेकर सरकार ने जारी किए गए नोटिफिकेशन नूं वापस ना लिया तो आने वाले समय से उन्होंने वालों वड्डे पद्धर ते संघर्ष शुरू किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हुशियारपुर तो चेतन कश्यप अते गोविंदजीत सिंह की रिपोर्ट। अज असी जिहड़ा ये घड़ा भन्न मुजाहरा किया है, ये पंजाब सरकार दी पॉलिसियां दे खिलाफ कर रहे हैं। अज का यह जो सद्दा है 20 तो लैके 24 तक पंजाब ड्यूटी मुलाजम ते पेंशनर सांझा फ्रंट वालों दिता गया है, क्योंकि सरकार वालों पिछले दिन 17 तरीक नूं इक ऑर्डिनेंस जारी किया है। उन्हें यह कहा भी अज जी नवी भर्ती होगी, जी नवी नियुक्ति होगी, और जोड़े केंद्र के मुलाजमान के नालों घट तनखाह देनी उन्होंने वध नहीं देनी, क्योंकि साडा पे कमीशन अलग है। असी 68 तो जो सा पे कमीशन अलग चलिया आ रहा है। पंजाब के मुलाजम इस करके वध तनखाह लेंदे सीगे क्योंकि असी जो डॉक्टर अकराइड है वह जो फार्मूला से 15वीं लेबर कॉन्फ्रेंस ने 1957 जो 11-12 जुलाई में मीटिंग हुई थी, असी उस फार्मूले के तहत पंजाब के मुलाजम पे कमीशन लेंदे आ रहे हैं। तो अज साडा पे कमीशन जोड़ा है सेंटर नालों जोड़ा है लिंक किया जा रहा है, पर डीए जो महंगाई पत्ता है डी लिंक किया जा रहा है। इस करके सरकार दोहरी चाल चल रही है। इस तो पहला उन्होंने 15/15 पत्र कढ के प्रोबेशन पीरियड के मुलाजमान नूं 3 साल ही रख रही है। वह सिर्फ 3 साल उन्होंने बेसिक पे ते रख दी है, सिर्फ उन्होंने ग्रेड पे नहीं दिंदी, कुछ सिर्फ उन्होंने इनिशियल पे दी जाती है 10,300 या 10,000 कर दी जाती है। ये सरकार ना महंगाई पत्ती दी किश्तां दे रही है, ना साडा पे कमीशन दे रही है, उल्टा मुलाजमान के उत्ते 200 रुपये जजिया टैक्स ला के रख दिता। ये पुनर्गठन के नाँ के उत्ते बख-बख अदारियां च पोस्टां खत्म कीतियां जा रही हैं। साडी मंग है लोग बेरोजगार घूमते, लोगों रुजगार मिलना चाहिए है। दूजे पासे सरकार लगातार महंगाई वधा रही है, पर महंगाई पत्ता नहीं दिता जा रहा। ये सरकार जो करोना की आड़ के थले मुलाजमान के उत्ते किरती लोगों के उत्ते लगातार हमले कर रही है, जिहदे नतीजे सामने आ रहे हैं। भी करोना के नाँ के उत्ते लोगों अज लुटिया जा रहा है, लोगों को यह कहा जा रहा भी करोना बीमारी है, महामारी है, असी समझते महामारी है, पर उसकी आड़ थले सरकार अज प्राइवेटाइजेशन निजी कानून लगातार बढ़ावा दे रही है। दूजे पासे जो स्ट्रक्चर कोई सार नहीं रही, अज असी देख रहे लोग बेइलाजे मर रहे हैं, अज असी देख रहे लोगों का इलाज ट्रेनों के डब्बों से दस रहे भी ट्रेनों के डब्बों से इलाज करांगे, पर हस्पताल नहीं उसारे जा रहे हैं। अज मल्टी स्टोरी बिल्डिंगा स्कूलों दी खड़ियां कीतियां जा रही हैं प्राइवेटा दी, अज मल्टी स्टोरी बिल्डिंगा हस्पताल दी खड़ियां कीतियां जा रही हैं, पर लोगों को ना मुफ्त इलाज दिता जा रहा है, ना लोगों को मुफ्त विद्या दी जा रही है। उल्टा महंगाई जी लगातार बढ़ रही है, ये लोग लड़ते हैं, उन्होंने केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब सरकार एक सरकार ने फैसला करता नोटिफिकेशन कर दिता भी 4 बंदे तो बद कितने कट्ठे नहीं होणगे, पर जो कट्ठे हो रहे उन्होंने परचे दर्ज करते हैं। पर असी एलानिया कहना चाहते हैं कि लोग हर चीज़ का समझौता कर सकते हैं, पर लोग अपने पेट ना भुख ना समझौता नहीं करेंगे। भावें लोगों को सड़कों पर आकर सरकार के गल पैना पवे, भावें उन्होंने घर के जाके लोगों को मरण वास्ते बैठना पवे, धरने लाने पैन। इस करके साडा जिहड़ा प्रोग्राम है 20 तो लैके 24 तक असी पूरे पंजाब सरकार के पापां के घड़े भन्नांगे, ते 25 तरीक नूं मीटिंग करके पंजाब ते ड्यूटी मुलाजम सांझा फ्रंट दी ते अगले तिखे संघर्ष का ऐलान करांगे, तां जो सारे पंजाब दे मुलाजम सरकार दे खिलाफ लड़न वास्ते तैयार बैठे है। मेहरबानी।